कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वे पढ़ते तो खूब हैं, पर वे क्लास में वो पोजीशन प्राप्त नहीं कर पाते जिसे वो प्राप्त करना चाहते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वे कम पढ़कर भी टॉप कर जाते हैं। ये निर्भर करता है पढ़ने के तरीके पर कि आखिर आप किस तरीके से पढ़ते हैं। मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है, पर वो ये नहीं जानते कि पढ़ने का सही तरीका आखिर है क्या, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। वे स्टूडेंट सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, वे ये नहीं जानते कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कम पढ़ने पर भी टॉप कर जाते हैं, तो दोस्त वे स्मार्ट वर्क ही करते हैं। स्मार्ट वर्क करके आप भी स्मार्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आप जब पढ़ने बैठे तो आप बिल्कुल एकांत जगह पर हो, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। आपका फोकस सिर्फ आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि मैंने बहुत ही स्टूडेंट को देखा है कि बुक तो उनके सामने होती है और वे पढ़ भी रहे होते हैं, पर जो उनका ध्यान है ना, कभी फोन की तरफ कभी खेल की तरफ रहता है। आप जिस टाइम पे जो काम कर रहे हैं, अगर आप सारा फोकस अपना उस पर लगा पा रहे हैं तो आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आप एक प्लान बना लें कि आज मुझे इतना पढ़ना है, और जब तक मैं इतना पढ़ूंगा नहीं और तब तक मैं कुछ और सोचूंगा नहीं। और कभी भी पढ़ते वक्त किताब के पन्ने ना पलटें, उससे आपके दिमाग में एक बात आएगी कि अभी पढ़ने से इतना बचा है। ऐसे करने से आपका फोकस उस टॉपिक से हट जाएगा जिसे आप पढ़ रहे थे।